मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का आगाज ही हुआ है और मुख्यमंत्री पद की दावेदारियां सामने आने लगी। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी के भीतर हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय विधायक रहे, फिर भाजपा में आए प्रदीप जायसवाल गुड्डा अब मुख्यमंत्री पद का ख्वाब देख रहे हैं। एनडीएन टीवी से बातचीत के दौरान गुड्डा जायसवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए 50% की दावेदारी ठोक दी है। दर्शकों, गुड्डा जायसवाल बहुत ही जाना पहचाना नाम है और इस वक्त मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें वो लगातार अपने प्रचार दौरे पर हैं। वह ये बताएं कि बहुत सारी बातें कही जा रही है क्षेत्र में। एक तो ये कि गुड्डा जी है, जब भी चाहें जब पार्टी बदल लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा आरोप। पार्टी बदलने का तो सवाल ही नहीं है। मैं तो कांग्रेस से 3 बार विधायक रहा, 10 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, और मेरे जैसे आदमी की टिकट काट के संजय मसानी, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो भोपाल में रहते हैं, उनको यहाँ टिकट दे देगी मेरी जगह, और मुझे कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया बिना कारण। तो जब घर से किसी ने बाहर कर दिया तो मैं भूखे तो नहीं मरूंगा, मैं कहीं ना कहीं तो जाऊंगा किसी के दरवाजे में। तो मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा फिर, और निर्दलीय चुनाव लड़ा तो जनता का साथ था, जनता ने मुझे जिताई, क्योंकि मैं संगठन में काम किया हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद 5 साल निर्दलीय रहा मैं, फिर मैंने सरकार जैसा निर्दलीय विधायक का जो कर्तव्य होता है जी। मैंने सरकार को समर्थन दिया और समर्थन के बदले मैंने 5 साल क्षेत्र में काम करा जी, जी। फिर नया आचार संहिता लगी, नए चुनाव लड़ने की बात आई, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं सबसे ये समझा मैंने कि जब बीजेपी को समर्थन देके मैंने क्षेत्र में इतना काम कराया हूँ तो क्यों ना फिर बीजेपी से टिकट से चुनाव लड़ा जाए। तो मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने मुझे छोड़ दी जी। बल्कि छोड़ी क्या, मुझे धोखा दी जी जी जी। तो ये भी फार्म आने के बाद मैंने टिकट काट दी गई, कब किसके लिए, संजय मसानी के लिए बताइए। तो ये इतना बड़ा जो मजाक हुआ, जनता ने उसका जवाब दी जी जी जी। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। तो दल बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने संगठन की बात कही है, लेकिन बीजेपी का संगठन आपसे नाराज है जी? नहीं, हमारा जा रहा है कि जैसे योगेंद्र निर्मल हैं या ऐसे बहुत सारे जो बड़े नेता, पुराने नेता, वो चूंकि संघ के नेता, जो संघ हमारा पूरा काम कर रहा है, चूंकि जो प्रत्याशी रहते हैं स्वाभाविक उनको थोड़ा सा नाराजगी रहेगी, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके जो 3 मंडल होते हैं, ग्रामीण मंडल वाराणसी, ग्रामीण मंडल खैरलान जी, सभी की बैठक हो चुकी है जी। हमारे संघ के सारे लोग काम कर रहे हैं, बाहर के हमारे जितने मार्गदर्शन आ रहे सब लोग काम कर रहे हैं। प्रत्याशी में थोड़ा सा होता है, लेकिन 1-2 दिन वो भी ठीक हो जाएगा। एक बात और भी चल रही है कि गौरव पाल जी जो है, जो भी कटंगी विधानसभा जो है, उन्होंने पिछली बार आप एक जो है ना निर्दलीय के रूप में उन्होंने भी चुनाव पर्चा भरा था, वो आपके खिलाफ रहे, लेकिन इस बार वो आपके साथ हैं क्योंकि आप बीजेपी में हैं। लेकिन इस बात से भी कहा जा रहा है कि योगेंद्र निर्मल को हराने के लिए पिछली बार उन्होंने आपका साथ दिया। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। देखिए, वो तो निर्दलीय प्रत्याशी थे जी, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना समर्थन बाद में डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को दे दिया जी। मतलब डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और गौरव पार्टी, ये एक पार्टी में भाजपा मेरे खिलाफ जी। तो उन्होंने समर्थन दिया था, उसके बावजूद जनता लोग का आशीर्वाद रहा कि मैं चुनाव जीता। इस बार वाराणसी में प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिससे आप जनता को लुभाएंगे, क्योंकि लुभावने जो वादे हैं बहुत सारे, 7 गारंटियों के साथ कांग्रेस भी आई। देखिए, वादे तो घोषणा पत्र क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैंने तो जो घोषणा नहीं किया था जी, जो जनता से वादे नहीं किया था, ऐसे मैंने 7 बड़े पुल, एक फ्लाईओवर स्वीकृत कराया जी, 40 से 50 पक्की सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में, इसका मैंने वादा नहीं किया था जी। लोग तो बोलते थे विधायक जी हम मुरुम डाल दो, तो मुरुम तो अलग रहा, मैंने सारी जगह पक्की सड़क बनाई जी। मैंने वादा नहीं किया था कि मैं गार्डन यहाँ बनाऊंगा, जहाँ फव्वारे रहेंगे महिलाओं के लिए, गार्डन हरियाली रहेगी, बच्चों की ट्रेन रहेगी, ये वादा नहीं किया था मैंने जी। इंडोर स्टेडियम जो इंदौर भोपाल की तर्ज पर, इंदौर भोपाल स्टेडियम जो बना है हमारे वाराणसी का, इंदौर भोपाल के अलावा सिर्फ वाराणसी में जी। मैंने वादा नहीं किया था कि इंडोर स्टेडियम बनाऊंगा मैं, रानी अवंतीबाई स्टेडियम 1200 शहर के अंदर, जो 40-50 साल पहले सड़कें डामर हुई थी, आज 50 साल बाद शहर की पूरी सड़क का मैंने नवीकरण करा दिया जी, जी, जी। पूरे शहर में डिवाइडर, पूरे शहर में लाइटिंग की व्यवस्था चारों तरफ। तो इस तरह का मैंने कुछ जो वादा नहीं किया था उससे कहीं हटके मैं समझता हूँ 4-5 गुना ज्यादा मैंने काम कराया। ये विकास कार्य हुए, रोजगार के लिए क्या? रोजगार के लिए हमने, हमारा जैसे मैंगनीज वगैरह की खदान चालू है, उसको हमने सुरक्षित रखा है, उसका एथेनॉल प्लांट हमने 2 डाले अभी,
उस एथेनॉल प्लांट में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है ये आरोप? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए क्या होता है वहाँ पर भी जो है बिहार और अगर 500 लेबर लग रहे हैं, 500 लोग काम कर रहे हैं तो 250 हमारे क्षेत्र के लगे और 250 बाहर के जो ट्रेंड है उसी काम के लिए। वो ये जो प्लांट है बड़ा रिस्की प्लांट है, तो उसके कारण क्या होता है कि बाहर के लोगों को लगा के रखा गया, जबकि वो जो मिल जो मालिक है प्लांट का उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाहर से लाके काम कराने में उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो मालिक का ये कहना है कि जब मैं यहाँ के लोगों को ट्रेन कर दूंगा तब बाहर वालों को मैं वापस कर दूंगा। जी जी जी। तो ये स्कीम है। इसके अलावा 2 इथेनॉल प्लांट और आ रहे हैं अभी, तो ये बालाघाट जिले में कहीं नहीं लग रहे, सिर्फ वाराणसी में। इथेनॉल प्लांट लगने से जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा क्षेत्र में, उसके अलावा धान बेस्ड है, धान और चावल। जी जी। तो हमारा धान का उठाव उठ गया, जो धान पहले पड़ा रहता था कोई भाव नहीं देता था, अब धान का जो खपत बढ़ने से धान का रेट रबी में भी अच्छा रेट मिल रहा है लोगों को, 800 की जगह 1500 का रेट मिल रहा है रबी में, खरीफ में 1200 की जगह 1800 का रेट मिल रहा है। तो मतलब किसानों को भी फायदा मिल रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, ये सारी व्यवस्था मैंने किया। तो एमपी के मन में मोदी, इस प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं, एमपी के मन में शिवराज ऐसा पोस्टर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ये पार्टी क्या कारण है? ये पार्टी की रणनीति है जी, ये पार्टी की रणनीति है कि वो हमारे ओबीसी मुख्यमंत्री की बात भी चल रही है, क्या ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे? देखिए वो तो जायसवाल भी हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। तो पार्टी का निर्णय होता है, क्या रिजल्ट आता है रिजल्ट के हिसाब से बात हो सकती है, रिजल्ट में कितने किस प्रकार के विधायक चुनाव जीत के आते हैं, क्या रणनीति बनती है, वो तत्कालिक मतलब मुद्दे है, तात्कालिक मुद्दे हैं और वो उस वक्त तय होगा। तो इस वक्त जनता के मन में मोदी हैं, मोदी या शिवराज हैं या गुट्टा हैं? देखिए वो तो बताया ना, देश की बात करें तो मोदी जी है ना, मोदी जी हर दिन चल रहे हैं, हाँ। मोदी जी के पोस्टर लगे, लेकिन मोदी जी हर जगह है। हाँ मोदी जी हमारे, किसी एक व्यक्ति की बात करूँ, एक वोटर की बात करूँ, उसके मन में 50% तो मोदी है, 25% फिर शिवराज जी है, 25% गुड्डा जायसवाल है, सब है। मतलब 25% गुड्डा जायसवाल, यानी कि शिवराज के लगभग बराबर बराबर चल रहे हैं। मतलब तो मुख्यमंत्री के दौर में वाराणसी में तो उनके बराबर इसलिए मानता हूँ मैं कि शिवराज जी ने हमारे क्षेत्र की जनता को इतना मान सम्मान दिए, इतना विकास दिए कि शायद अपने क्षेत्र में उन्होंने इतना मान सम्मान दिया वो जो मेरे क्षेत्र की जनता को दिया है, इसलिए वो भी दिल में है लोगों के। जी जी। तो कितने आश्वस्त है अपनी जीत को? 100%। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे गुड्डा जायसवाल, प्रदीप जायसवाल जिन्हें कहा जाता है, और ये लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप विधायक यहाँ पर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से रहे हैं, निर्दलीय भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जनता का साथ नहीं छोड़ा है। एक बार फिर चुनाव मैदान में, देखते हैं जनता वोट किसे करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक सामाजिक मुद्दों सहित तमाम रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, देखते रहे NDN TV।